हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग उत्सर्जन चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आज हम लोग इस चैप्टर में किडनी के बारे में पढ़ेंगे। किडनी के स्ट्रक्चर और फंक्शन, संरचना और कार्य के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं हूं एसके पटेल और आप देख रहे हैं मेरा लवली सा चैनल इम्प्रेशन ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट, वीडियो को पूरा देखिएगा। ये पूर्णतः हिंदी में वीडियो बनाया गया है और आप जो है इसको देखिए, पूर्णतः क्लियर कंसेप्ट आएगा आप लोगों को, और जब समझ में आएगा तो अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे, ठीक ना। चलिए आइए देखते हैं। किडनी, ये देखिए किडनी है आपका, ये जो है इसका आकार जो होता है वो सेम के बीज की तरह, सेम जो सब्जी हम लोग बना करके खाते हैं वो सेम का जो बीज होता है उसी की तरह इसका आकार होता है। इसका जो बाहरी भाग होता है ये एक टिश्यू से बना होता है, संयोजी टिश्यू से। किससे बना होता है? संयोजी टिश्यू से, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। इसके बाहरी भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं। ये जो देख रहे हैं बाहरी भाग, इसको हम लोग कहते हैं कॉर्टेक्स, और अंदर वाला भाग को मेडुला कहते हैं। इसके बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और अंदर वाले भाग, भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। मेडुला से ब्रिक सिरा, ब्रिक धमनी सब जुड़ा होते हैं, और जहां से इनका ये जो प्रवेश द्वार है, ये वाला जो द्वार ये देख रहे हैं, इसको हाइलम कहते हैं। हाइलम, इसको क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। देखिए इसका आकार कैसा हुआ, सेम के बीज की तरह। रंग इसका कैसा होता है? किडनी का रंग जो होता है वो लाल भूरे रंग का होता है। कलर जो इसका होता है लाल भूरे होते हैं। इसका मुख्य कार्य है रक्त को छानना। क्या काम है? रक्त को छानना। ये ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहते हैं। ब्लड में हमारे बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट, नाइट्रोजेनस प्रोडक्ट उपस्थित होते हैं, तो उसको जो है क्या करता है, इसको छान देता है। अमोनिया है, यूरिया है, जो भी हो उस सबको ये क्या करता है, छान देता है। तो हम लोग बाहर क्या करते हैं, मनुष्य यूरिया को बाहर करता है ना। तो यूरिया जो है हमारा लीवर जो है अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर देता है और दे देता है किडनी को, और किडनी जो है उसको छान करके बाहर कर देता है। इसका वजन लगभग 170 ग्राम। ये लगभग यानी कि डिपेंड करता है, कोई दुबला पतला व्यक्ति है तो उसका कम भी हो सकता है, ज्यादा हैवी मोटा है तो उसका ज्यादा भी हो सकता है। यानी कि इसका वजन लगभग कितना होता है, 170 ग्राम के आसपास होते हैं। इसके जो कोशिका है, मेन कोशिका यानी कि लंबी लंबी पतली पतली जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, उसको हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन। इसमें कौन सी कोशिका उपस्थित होते हैं? नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन क्या है, किडनी का रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है। स्थान ये कहाँ होता है? उदर गुहा के ठीक नीचे, पेट के यानी कि ठीक नीचे, दोनों केसेरु के, मेरुदंड के दोनों ओर स्थित होता है ना। उदर गुहा के ठीक नीचे केसेरु दंड के दोनों ओर स्थित होता है। संख्या कितनी होती है इसकी? दो। इसकी संख्या कितनी होती है? दो होती है। प्रत्येक मनुष्य में दो किडनी पाए जाते हैं। कितने किडनी पाए जाते हैं? दो किडनी पाए जाते हैं। आकार 10x5x3। इसका मतलब हुआ इसकी लंबाई जो होती है वो 10 सेंटीमीटर होती है। लंबाई कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर।
चौड़ाई जो होती है 5 सेंटीमीटर और मोटाई जो होती है वो 3 सेंटीमीटर, यही है 10 × 5 × 3, ये आकार होता है इसका, लंबाई चौड़ाई और मोटाई। किडनी का बाहरी भाग तो हम लोग बता ही दिए कि जो किडनी है इसका बाहरी भाग जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो जो है संयोजी ऊतक से बना होता है, ठीक ना। ये देखिए ये जो है बीच में जो दिख रहा है यहाँ पे संग्राहक नालिका, यहाँ पे छान करके जो यूरिन आता है, यूरिया वगैरह है ना, मूत्र, वो छान करके ये संग्राहक नालिका में जमा होता है और हाइलम से होते हुए मूत्र वाहिनी द्वारा ये बाहर निकल जाता है। यहाँ देखिए वृक्क धमनी है, वृक्क धमनी का कार्य होता है अशुद्ध रक्त को किडनी में प्रवेश कराता है। वृक्क धमनी जो है अशुद्ध रक्त को किडनी में प्रवेश कराता है और छनने के बाद जो शुद्ध रक्त बन जाता है वो रीनल वेन यानी वृक्क सिरा इसको लेके चला जाता है, ठीक है ना, वृक्क सिरा इसको ले करके और चला जाता है, किडनी से बाहर ले जाता है और किडनी में अशुद्ध रक्त को कौन ले आता है, वृक्क धमनी लाता है। देखिए इसके बाहरी भाग को कॉर्टेक्स और अंतः भाग को मेडुला कहते हैं। ये हुआ हम लोग को किडनी के बारे में, किडनी का ये स्ट्रक्चर हुआ और किडनी के अंदर जो कोशिका है जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेफ्रॉन कहते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं नेफ्रॉन के बारे में। अब नेफ्रॉन देखिए ये इसकी संरचना है, देखिए एक कप की तरह प्याले की तरह इसका रचना है जिसको हम लोग बोमेन संपुट कहते हैं। ये प्याले जैसी जो रचना है इस रचना को हम लोग क्या कहते हैं, बोमेन संपुट। इसमें कोशिकाओं का जाल होता है, कोशिकाओं का जाल होता है, बहुत सारे कोशिका 10 से 15 कोशिका मिल करके एक जाल का निर्माण करते हैं, उस जाल को हम लोग ग्लोमेरुल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुल्स। और ये दोनों रचना मिल करके मालपिगियन कैप्सूल का निर्माण करते हैं। ये दोनों रचना को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या कहते हैं, मालपिगियन कैप्सूल कहते हैं। मैल्पिगियन कैप्सूल में दो चीज होते हैं, एक होते हैं ग्लोमेरुल्स और दूसरे होते हैं बोमेन संपुट। तो ग्लोमेरुल्स का काम क्या है, ये जो है रक्त को छानता है, कोशिकाओं का जाल होता है, कोशिकाओं का जाल होता है और इसका काम है रक्त को छानना। ये क्या करता है कि रक्त को क्या करता है, छान देता है। अब ये क्या करता है कि जो जरूरी है प्रोटीन ग्लूकोज सबको छान देता है, कौन, ग्लोमेरुल्स। अब तो कहता है कि अरे पगला कहीं के, बोमेन संपुट कहता है कि तू सब छान दिया, जो जरूरी था वो छान दिया। ये क्या करता है, ये सबको कलेक्ट कर लेता है और कलेक्ट करके कहां लेके लेके चलाता है, ये लेके चलाता है आपका नेफ्रोटिक ट्यूबल्स। यहां से यहां तक का जो भाग है इसको कहते हैं नेफ्रोटिक ट्यूबल्स। अब इस नेफ्रोटिक ट्यूबल्स में 3 भाग होते हैं, एक को कहते हैं सम्मिलित समीप नालिका यानी कि समीपस्थ सम्मिलित नालिका, दूसरा है हेनले का लूप और तीसरा है दूरस्थ सम्मिलित नालिका। ये 3 भाग इसके होते हैं। अब ये जो है अग्रस्थ सम्मिलित नालिका क्या करता है कि बोमेन संपुट से हेनले के लूप तक ये जुड़ता है, बोमेन अगला भाग बोमेन संपुट का पिछला भाग हेनले के लूप से जुड़ा हुआ होता है। ये जो है जो सब छना के आ गया प्रोटीन ग्लूकोज अमीनो एसिड सब आ गया, उसको ये क्या करता है, छान लेता है, कौन, सम्मिलित, ये जो नालिका देख रहे हैं
है ना, समीपस्थ सम्मिलित नालिका, ये इसको हम लोग पीसीटी के नाम से हम लोग जानते हैं, पीसीटी के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं, प्रॉक्सिमल कलेक्टिंग ट्यूबुल्स। तो ये क्या करता है कि अमीनो अम्ल और ग्लूकोज को अवशोषित कर लेता है, अवशोषित करके पुनः फिर रक्त को दे देता है। एक चीज और, ये जो है H प्लस आयन का स्त्रवण करता है, H प्लस आयन यानी कि H प्लस आयन यानी कि एसिड का स्त्रवण करता है। इसी एसिड के कारण जो मूत्र जो होता है अम्लीय होता है, क्योंकि मूत्र का पीएच मान 4.8 होता है। अम्ल जो मूत्र होता है वो कैसा होता है, अम्लीय हो जाता है। अब इसके नीचे जो है पीसीटी, इसको क्या कहते हैं, पीसीटी, तो प्रॉक्सिमल कलेक्टिंग ट्यूबुल्स। तो ये जो है जिसको हिंदी में कहते हैं सम्मिलित समीपस्थ नालिका, कहां आ जाता है, हेनले का लूप में। ये हो एकदम यू आकार का, ये देख रहे हैं यू आकार का नालिका है जिसको हम लोग हेनले का लूप कहते हैं। ये हेनले का लूप का मुख्य कार्य है मूत्र का निर्माण करना। हेनले के लूप का मुख्य कार्य क्या है, मूत्र का निर्माण करना। ये मूत्र का निर्माण करता है, और जो एक्स्ट्रा पानी आता है, ज्यादा पानी जो अवशोषित कर लेता है कौन, ग्लोमेरुल्स, उसको अवशोषण कर लेता है, है ना, उसको क्या कर लेता है, अवशोषित कर, चल ज्यादा है तू कहां जाई, चल आओ शरीर में ही रहो तुम बाहर नहीं जाओ। तो ये जो है मूत्र का निर्माण करता है, ज्यादा पानी होता है उसको क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। अब इसके बाद ये दे देता है सम्मिलित दूरस्थ नालिका, इनको डीसीटी के नाम से जानते हैं, इसको जो है डीसीटी के नाम से जानते हैं हम लोग। डिस्टल कंबुलेटिंग ट्यूबुल्स, तो ये जो है संग्राहक नालिका को, कलेक्टिंग डक्ट को जोड़ता है, हेनले लूप को कलेक्टिंग डक्ट से जोड़ता है, उसको हम लोग कहते हैं सम्मिलित दूरस्थ नालिका, डीसीटी। अब जो है संग्राहक नालिका, ये जो है जिसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट, कलेक्टिंग डक्ट या ट्यूबुल्स इसको बोलते हैं, इससे बहुत सारे ब्रिक नालिका आकर के जुड़ते हैं, और ये जो है मूत्र को एकत्र करता है, और पिरामिड से होते हुए वो कहां भेज देता है, पिरामिड से होते हुए वो मूत्र वाहिनी को भेज देता है। देखिए मूत्र वाहिनी को भेज देता है, और मूत्र वाहिनी से कहां चला जाता है, आपको यूरेथ्रा में चला जाता है, ठीक ना, मूत्रवाहिनी से कहां चला जाता है, यूरेथ्रा से होके बाहर हो जाता है शरीर से बाहर, तो वो जो है यूरिनरी ब्लैडर में जा करके और स्टोर हो जाता है। तो कुछ समय समय पे हम लोग क्या करते हैं, मूत्र यानी यूरेथ्रा से मूत्र मार्ग से समय समय पे हम लोग क्या करते हैं, बाहर करते हैं, ये क्रिया होती है नेफ्रॉन में, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा नेफ्रॉन, फिर से एक बार देख लेते हैं। इसके जो बाहर वाले जो रचना है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कप जैसी रचना उसको कहते हैं बोमेन संपुट, बोमेन संपुट प्याले जैसी रचना होती है, इसके ऊपर जो होते हैं क्या होते हैं, कोशिकाओं का जाल होता है जिसको हम लोग ग्लोमेरुल्स कहते हैं। ये कोशिकाओं के जाल से रीनल धमनी और रीनल वेन यानी ब्रिक धमनी और ब्रिक सिरा जुड़ा होता है। ब्रिक सिरा जो है शुद्ध रक्त को यानी कि ग्लोमेरुल्स जब छान देता है तो उसको ले जाता है, और ब्रिक धमनी अशुद्ध रक्त को लाता है। उसके बाद छानने के बाद आ जाता है बोमेन संपुट में, बोमेन संपुट में आने के बाद चूंकि ग्लोमेरुल्स जो है अच्छे अच्छे पदार्थों को भी छान देता है, तो यह दे देता है किसको, नेफ्रोटिक ट्यूबुल्स को, और नेफ्रोटिक ट्यूबुल्स में जो है समीपस्थ सम्मिलित नालिका है वो क्या करता है, अमीनो अम्ल और
ग्लूकोज को क्या करता है, पुनः अवशोषित कर लेता है। तू कहाँ जा रहा है, तुम हमको फायदे वाला सामान है इसलिए तुम आओ, तुम जाओ नहीं, और ये छान लेता है, और छानने के बाद दे देता है हेनले के लूप को। हेनले का लूप जो है मूत्र का निर्माण कर देता है ना, मूत्र का निर्माण कर देता है, इसमें यूरिया वगैरह को छोड़ करके आ जाता है यूरिया यहाँ, और ये मूत्र का निर्माण कर देता है। अब जब मूत्र का निर्माण करता है और बाकी जो और एक्स्ट्रा मतलब कि ज्यादा जो पानी होता है उसको अवशोषित कर लेता है कि तू ज्यादा है चलो तुम पुनः फिर शरीर में चलो बॉडी में चलो, और वो जो है फिर दे देता है सम्मिलित दूरस्थ नालिका को, और सम्मिलित दूरस्थ नालिका उसको पहुंचा देता है कहाँ, संग्राहक नालिका में, और संग्राहक नालिका से बहुत सारे वृक्क नालिका जोड़े होते हैं और सभी जो है मूत्र को संग्राहक नालिका में लाते हैं, और वहां से संग्रह करके और पिरामिड होते हुए वो कहाँ पहुंचा देता है, मूत्र वाहिनी में पहुंचा देता है, और मूत्र वाहिनी से मूत्र जो है यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है, और यूरिनरी ब्लैडर से मूत्र मार्ग होते हुए बाहर चला जाता है समझ। और यूरिन यानी मूत्र जो है हमारा कहाँ एकत्रित होता है, यूरिनरी ब्लैडर में। ये हुआ हम लोग का नेफ्रॉन का संरचना। देखिए ब्रिक का कार्य, ब्रिक का कार्य क्या है, मुख्य रूप से रक्त को छानना। अब रक्त को छानने के क्रम में क्या करता है कि देखिए यह है ब्रिक, अब यहां से जो है यहां से ब्रिक धमनी जो है ले जाता है ब्लड को, इसका व्यास जो है ज्यादा होता है तो ये ब्लड को ज्यादा ले जाएगा है ना, और इसमें जो ग्लोमेरुलस होता है वो छानता है, और ग्लोमेरुलस छान करके और दे देता है किसको, ब्रिक सीरा को, किसको दे देता है, ब्रिक सीरा। ये ग्लोमेरुलस जो है जो आवश्यक पदार्थ है उसको भी क्या करता है, छान लेता है। ग्लोमेरुलस क्या करता है, आवश्यक पदार्थ को भी क्या करता है, छान लेता है। अब भाई जो जरूरी पदार्थ है वो भी छान जाएगा तो हमको दिक्कत हो जाएगा ना, अब तो दिक्कत हो गया तो कहता है कि अरे तो छान लिया तो अच्छा तो ठीक है, तब क्या करता है पुनः इसका अवशोषण होता है ना, चयनात्मक अवशोषण, जैसे ग्लूकोज हो गया, वाटर हो गया, अमीनो अम्ल हो गया, सोडियम आयन हो गया, ये सब जो है जरूरी पदार्थ होते हैं, इसका पुनः अवशोषण होता है, इसका क्या होता है, पुनः अवशोषण होता है, तो पुनः अवशोषण करके और वो किसको दे देता है, रक्त को दे देता है। इस तरह से ब्रिक एक बार छानता है और पुनः फिर जो एक्स्ट्रा छाना जाता है उसको पुनः फिर क्या कर देता है, अवशोषित। तो ये जो है क्या होता है, छान करके पुनः फिर किसको दे देता है, ब्लड को दे देता है, यानी कि ब्रिक में दोनों कार्य होते हैं, रक्त को छानना और पुनः अवशोषण करना। अब जो है जो मूत्र बनता है तो मूत्र में क्या क्या होता है, ये देखिए मूत्र जो होता है इसका रंग जो होता है हल्का पीला होता है, किसके कारण, यूरोक्रोम के कारण। हम लोग बोलते थे कि मूत्र का रंग जो है बिलरुबिन के कारण, यानी कि बिलरुबिन जब ज्यादा बनने लगेगा शरीर में तब वो ज्यादा गाढ़ा पीला हो जाता है, लेकिन ये हल्का पीला होता है, ये जो है आरबीसी से बना हुआ होता है यूरोक्रोम, उसके कारण इसका रंग जो होता है हल्का पीला होता है मूत्र का रंग, और इसका पीएच मान जो होता है मूत्र का वो होता है 4.5, कितना होता है 4.5, यानी कि ये कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है मूत्र, कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। और प्रत्येक दिन एक व्यक्ति लगभग 1.5 लीटर से 1.8 लीटर तक, यानी कि लगभग 1.5 लीटर मूत्र का स्त्राव क्या करता है, बाहर करता है, मूत्र को बाहर करता है प्रतिदिन, यानी कि एक व्यक्ति के शरीर में इतना मूत्र का निर्माण होता है। अब मूत्र में क्या होता है, 95% क्या होता है, जल होता है, 95% क्या होता है, जल होता है, 2% लगभग यूरिया होता है, और 3% अन्य पदार्थ होते हैं,
अन्य कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं वो कितने होते हैं 3%। इस तरह से मूत्र का ये अवयव है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।